ट्रैवल गाइड के तमाम मजेदार नाजरीन को हमारी एक और नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों आज हम आपको सैर कराएंगे जनूब वस्ती एशिया के मुल्क भूटान की, जो हिमालिया के मशरकी साहिलों पर वाकया है। भूटान एक ऐसा मुल्क है जहाँ के लोगों को दरख्तों से बेहद प्यार है। भूटान एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन छोटा मुल्क होने के बावजूद ये मुल्क कभी किसी का गुलाम नहीं बना। दुनिया में सबसे ज्यादा खुश मुल्कों में भूटान का भी शुमार किया जाता है। वैसे तो भूटान को गरीब मुल्कों में गिना जाता है, लेकिन यहाँ के लोग काफी खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। इस मुल्क में आपको कोई भी भीख मांगने वाला या फिर कोई भी बेघर नजर नहीं आएगा। भूटान के लोगों को टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, इन चीजों से कोई सरोकार नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही सादा तरीके से जिंदगी गुजारते हैं। भूटान का कुल रकबा 38,394 मरबा किलोमीटर है, और अपने रकबे के लिहाज से भूटान दुनिया में 133वें नंबर पर है। दोस्तों अगर हम भूटान की सरहदों की बात करें तो भूटान की सरहदें इंडिया, चाइना और तिब्बत से मिलती हैं। हिमालय की गोद में बसने वाले इस मुल्क का दारुल हुकूमत थिम्फू है। भूटान की कुल आबादी तकरीबन 8 लाख के लगभग है। यहाँ की कुल आबादी में 76% बुद्धिस्ट हैं और बाकी 24% हिंदू हैं। भूटान अपनी आबादी के एतबार से दुनिया में 165वां बड़ा मुल्क है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भूटान के लोगों को दरख्तों से बहुत ज़्यादा प्यार है। यहाँ के लोगों का नए दरख्त लगाना और पुराने दरख्तों की हिफाजत करने का रिवाज बहुत पुराना है। अपने इसी रिवाज को बरकरार रखते हुए भूटान के लोगों ने सन 2015 में 1 घंटे में 50,000 पौधे लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इतना ही नहीं बल्कि भूटान के राजा रानी के यहाँ बेटे की पैदाइश पर पूरे भूटान के लोगों ने 1,08,000 पौधे लगाकर इस खुशी को 4 चांद लगाए। भूटान के कानून के मुताबिक भूटान में तकरीबन 60% जंगल होना चाहिए। दोस्तों फिर तो आप सोच ही सकते हैं कि भूटान के लोग पेड़ पौधों से कितनी मोहब्बत करते हैं। क्या आपको मालूम है कि भूटान के लोगों को फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि वहां की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि भूटान में लोगों की सेहत अच्छी रहे और सेहत के हवाले से उनका मुल्क टॉप 5 में रहे। दोस्तों आपने कई जगहों पर मसलन किसी दफ्तर में या किसी होटल, किसी हॉस्पिटल में नो स्मोकिंग का बोर्ड तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि भूटान की सबसे अच्छी और अनोखी बात यह है कि पूरे मुल्क में सिगरेट नोशी पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। 2010 में भूटान के राजा ने एक कानून बनाया जिसके मुताबिक भूटान में ना तो कोई तम्बाकू की खेत उगा सकता है और ना ही कोई तम्बाकू बेच सकता है। पूरी दुनिया में भूटान ही वो वाहिद मुल्क है जिसमें पूरी तरह तम्बाकू और सिगरेट नोशी पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है, लेकिन अगर कोई टूरिस्ट अपने साथ सिगरेट लाना चाहता है तो उसको बहुत ज़्यादा फीस भरनी होगी और उसे पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। दोस्तों दुनिया में कोई भी मुल्क ऐसा नहीं जिसकी रोड पर ट्रैफिक लाइट्स ना हों, लेकिन भूटान एक ऐसा मुल्क है जिसमें पूरे मुल्क की रोडों पर कोई भी ट्रैफिक लाइट आपको नज़र नहीं आएगी। यहाँ की ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस अहलकार मौजूद होते हैं जो हर वक्त ट्रैफिक कंट्रोल करने का फरीजा सर अंजाम देते हैं, और दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग इस नज़ारे से खूब लुत्फानंदोज होते हैं। वो देखते हैं कि कैसे ट्रैफिक बूथों में खड़े ट्रैफिक अहलकार पूरी ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, इसीलिए भूटान को सिग्नल फ्री कंट्री भी कहा जाता है। दोस्तों अगर भूटान की वीज़ा पॉलिसी की बात की जाए तो भूटान में वीज़ा मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप अकेले भूटान की सैर को जाना चाहें तो हो सकता है कि आपको वीज़ा ही ना मिले, और अगर आप किसी ग्रुप या फैमिली के साथ भूटान की सैर करना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में आपको वीज़ा मिल सकता है, लेकिन वीज़े की कुछ ऐसी शराइत हैं जो आपको पूरी करनी होंगी, जिसमें वीज़ा, होटल और टूर गाइड की फ़ीस आपको एडवांस में ही अदा करनी होती है, और आप सिर्फ उन्हीं जगहों पर जा सकते हैं जहाँ पर सियाहों के जाने की इजाज़त हो, लेकिन टूर गाइड का आपके साथ होना ज़रूरी है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब किसी के फादर की डेथ होती है तो उसकी सारी जायदाद उसके बेटों में तकसीम होती है, लेकिन भूटान में बिल्कुल इसके बरअक्स सोचा जाता है। वहाँ वालद की डेथ के बाद सारी जायदाद बड़ी बेटी के नाम कर दी जाती है और मर्दों को मेहनत करके अपनी जायदाद खुद ही बनाना पड़ती है।
भूटान के लोगों को अपनी बर्थडे को याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ हर नए साल में सब लोग एक ही साथ अपना बर्थडे बनाते हैं। यही वजह है कि भूटान में लोगों को उनकी उम्र और पैदाइश के दिन का भी पता नहीं होता। भूटान के लोग बहुत सादा तबीयत के लोग होते हैं। यहाँ के लोगों में लड़ाई झगड़े का कोई कल्चर नहीं। इसके साथ साथ भूटान के लोग डांस के बहुत शौकीन होते हैं। यहाँ हर किस्म के फंक्शन या फेस्टिवल को नाच गाने के जरिए सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ के लोग सिर्फ किसी त्यौहार पर ही नहीं नाचते, बल्कि दूसरे मुल्कों से आए हुए लोगों के सामने भी डांस करके उनसे दाद वसूल करते हैं। यही लोग भूटान के टूरिज्म को काफी हद तक बढ़ाते हैं। दोस्तों, भूटान की एक अहम बात यह भी है कि भूटान की अपनी कोई आर्मी नहीं जो कि भूटान के बॉर्डर्स की हिफाजत कर सके, बल्कि भूटान की सिक्योरिटी पूरी की पूरी इंडिया के पास है। इंडियन आर्मी ही भूटान की सिक्योरिटी की जिम्मेदार है। भूटान में सबसे ज्यादा आमदनी पन बिजली से हासिल की जाती है और भूटान अपनी पन बिजली अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया को बेचता है। भूटान में बिजली, सेहत और तालीम बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें।